वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देख क्वेश्चन नंबर 7 में हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एल एंड एम जो कि है 10। ये जो दो पॉइंट्स है ये जो दो पॉइंट्स है L एंड M इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू हमको गिवन है 10। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट L एंड M इट इज इक्वल टू 10। ये हमने लिख लिया, ये हमको गिवन है, इट इज गिवन। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला वो लिख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा रूट के इनसाइड x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू नंबर 10 गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द एल एंड एम का है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया हमने और राइट साइड में 10 गिवन था हमको। अब देखिए एल एंड एम इन दोनों पॉइंट्स में से एक को हमको कंसीडर करना होगा x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कंसीडर करना होगा x2 y2। सो आइए फर्स्ट इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा x1 y1 है और पॉइंट M के जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा x2 y2 है। सो अब फॉर्मूले में देखिए फर्स्ट ब्रैकेट के इनसाइड है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू है x, तो यहां पर हम लिखेंगे रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस x और इसका स्क्वायर लिखते हैं प्लस सेकंड ब्रैकेट में है y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 15, y1 का वैल्यू है 7, तो ये हो गया 15 माइनस 7 और इसका स्क्वायर करना हमको इट इज इक्वल टू 10। अभी के जो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर रूट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय टेकिंग द स्क्वायर, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर डिसअपीयर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज 100। सो मैं यहां पे कर रहा हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड जिसकी वजह से हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 15 माइनस 7 इज 8, यहां पे आएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। यहां पे क्या किया हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें हमको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। a माइनस बी होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हम इसको एक्सपांड करेंगे, तो a का स्क्वायर मींस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा माइनस 2ab का मतलब होता है 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, सो 2 इनटू 1 2 हो गया और इनटू x आएगा 2x एंड लास्ट वन इज b स्क्वायर। b स्क्वायर मींस x का स्क्वायर करना हमको, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और इक्वल टू है
हंड्रेड। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेता हूं, फिर इस माइनस टू एक्स को, और ये वन प्लस सिक्सटी फोर, ये हो गया प्लस सिक्सटी फाइव। और जो राइट साइड में हंड्रेड है उसको भी हम लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस हंड्रेड, और राइट साइड में कुछ नहीं बचा, मतलब वहां पे जीरो रह गए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस, देखिए 65 प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, 100 में से 65 को माइनस करेंगे तो आएगा 35, और उस 35 का साइन होगा जो ग्रेटर नंबर का साइन है, ग्रेटर नंबर 100 है, तो ये आएगा माइनस 35, इट इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 इक्वल टू जीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़े हुए, जिसमें एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा हमने किया हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड द थर्ड वन इज फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले तो हम फैक्टराइजेशन ट्राई करेंगे, तो जो लास्ट वाला जो थर्ड डिजिट दिख रहा है यहाँ पे, थर्ड वाला जो नंबर है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और थर्ड टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 1 इनटू 35 हो गया 35, ये माइनस 35 है, सो इस माइनस 35 को हम फैक्टर करेंगे इन सच अ वे दैट कि उन दोनों फैक्टर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए, तो 7 फाइजा होता है 35, और देखेंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का है। अब हमको चाहिए माइनस 2, तो ग्रेटर नंबर को माइनस साइन असाइन करेंगे और स्मॉलर को प्लस, मल्टीप्लाई करोगे माइनस 35 आएगा, और इसको प्लस करेंगे तो आएगा माइनस 2। तो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग टू हम मिडिल टर्म को रिप्लेस करेंगे विद माइनस 7x प्लस 5x, और ये हो गया लास्ट वाला टर्म लिख लेंगे माइनस 35 इक्वल टू जीरो। इस मिडिल टर्म माइनस 2x के प्लेस पे हमने लिखा है माइनस 7x प्लस 5x। देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में कॉमन x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे दो बार x है, तो एक x निकल गया तो एक बच गया, और यहां से x निकलेगा तो बचेगा सिर्फ माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लिए तो ये हो गया x माइनस, और इसमें से 35 में से 5 कॉमन आएगा तो 5 7 जा 35 होता है, तो ये आएगा माइनस 7 और इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आए गए, दोनों ब्रैकेट हमको सेम मिले, x माइनस 7 और x माइनस 7। फैक्टराइजेशन का जो मेथड है इसमें ये जो ब्रैकेट है हमेशा हमको सेम मिलते हैं, इन केस आपको अगर ब्रैकेट के वैल्यूज अलग अलग मिल रहे हैं दैट मींस समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गलत हो गया आपका जिसकी वजह से ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा, तो कंपल्सरी फैक्टराइजेशन में ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं सेम। अब फर्स्ट वाला जो टर्म है ये x इनटू x माइनस 7, और सेकंड जो टर्म है 5 इनटू x माइनस 7 है। अब इनमें से मैं x माइनस 7 कॉमन ले रहा हूं, तो x माइनस 7 निकाल लिया मैंने इनमें से, तो यहां पे बचेगा x और यहां पर बचेगा 5, तो सेकंड ब्रैकेट होगा मेरा x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे तो ये हो गया x माइनस 7 इक्वल टू जीरो और x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, दैट मींस इन दोनों ब्रैकेट में से एटलीस्ट वन ऑफ द ब्रैकेट का वैल्यू क्या होगा जीरो, इसलिए हमने कंसिडर किया आइदर x माइनस 7 का वैल्यू जीरो है या फिर सेकेंड जो ब्रैकेट है x प्लस 5 उसका वैल्यू जीरो है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 5। देखिए हमको यहाँ पे x के दो वैल्यूज मिले, एक तो है x का वैल्यू 7 और दूसरा है माइनस 5। दैट मीन्स x का दो वैल्यूज हो सकता है, आइदर वो 7 है या फिर माइनस 5 है। सो आंसर में x का वैल्यू 7 या फिर माइनस 5, ये x के दो वैल्यूज है, आइदर 7 या फिर माइनस 5। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिले।